हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लाइट चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में अपन ने 20 एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे। होप आपने वो वीडियो देखा होगा, आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें इन्फॉर्म करें। आज अपन स्टार्ट करेंगे आगे के क्वेश्चंस। लॉजिक वही रहेगा, उन्हीं सारे थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करेंगे। वीडियो पॉज करना है, हर नए क्वेश्चन पे सोचना है, आंसर लिखना है रफ में और चेक करना है वो सही है या गलत है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लॉजिक्स इंप्रूव होंगे। ठीक है, स्टार्ट करें पढ़ाई। देखो आज के वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज 21 क्वेश्चन नंबर, क्योंकि 20th तक कंप्लीट हो चुके थे। अ स्फेरिकल मिरर, किसकी बात हो रही है? स्फेरिकल मिरर, ठीक है। टू बी मेड फ्रॉम अ कट पोर्शन ऑफ, किसके कट पोर्शन से बनेगा ये स्फेरिकल मिरर? तो स्फेरिकल मिरर जो है वो एक तो ये होता है जिसको अपन बोलते हैं कॉनकेव, या फिर स्फेरिकल मिरर ये होता है जिसको अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स। ये कोई भी मिरर अगर हमें बनाना हो तो किससे बनेगा? हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास, सॉलिड स्फेयर ऑफ प्लास्टिक, इससे तो कभी नहीं बनेगा, ठीक है। सॉलिड स्फेयर ऑफ ग्लास, अगर पूरा अंदर ग्लास से भरी हुई बॉल है, पूरी भरी हुई बॉल है, तो यार फिर उससे तो लेंस बनेगा, उससे भी हमारा मिरर नहीं बनेगा। हॉलो स्फेयर ऑफ मेटल, मेटल से कभी मिरर नहीं बनेगा। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर बाय फॉर्मिंग इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड। अगर हमें फोकल लेंथ को डिटरमाइन करना है कॉनकेव मिरर की बाय फॉर्मिंग इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो स्क्रीन को कहां रखे? मान लो यार ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, इससे ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, ये है पोल, यहां पे कहीं पे ऑब्जेक्ट है, एज्यूम करते हैं, तो स्क्रीन यहीं कहीं तो आएगी। और अगर इनकेस ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हुआ तो स्क्रीन को हम पीछे भी रख सकते हैं, क्योंकि उस केस में इमेज बनती है वर्चुअल इरेक्ट, यानी कि ये जो स्क्रीन है ये मिरर के पैरेलल आ गई, यानी कि मिरर का जो एक्सिस है उसके एक तरीके से परपेंडिकुलर हुई। कभी भी स्क्रीन टेढ़ी नहीं हो सकती। अगर हम बोले कि यार मिरर ऐसे है स्क्रीन ऐसे रख दो, ये गलत है। अगर हम बोले मिरर ऐसे है स्क्रीन को ऐसे रख दो, ये भी गलत है। ये दोनों सिचुएशंस पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल सही तरीका है स्क्रीन को रखने का, है ना। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मिरर, ये चीज, ये गलत हो गया। एट राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ मिरर, ये बिल्कुल सही है। ये जो मिरर का प्लेन है इसके राइट एंगल पे है स्क्रीन, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर। क्लियर यहां तक? इजी है। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10, ठीक है। मान लेते हैं ये कॉनकेव मिरर है जिसकी आउटवर्ड जो साइड है वो पेंटेड है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फोकल लेंथ जो है मिरर की वो है 10, फोकल लेंथ है 10, ठीक है। तो उसका जो डबल होगा, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो डिस्टेंस हुआ 20, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो लेंथ यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है 20, फोकल लेंथ का डबल। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20, ऑब्जेक्ट को आप 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रख रहे हो, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां पे है? ऑब्जेक्ट इज एट सी। जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है तो ये बात ध्यान रखना, इमेज भी सी पे ही बनती है, जस्ट इसके नीचे इमेज बनेगी विच विल बी रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ इक्वल साइज। यानी कि अगर मैं इमेज का एरो बनाऊं तो इस तरीके से इमेज का एरो बन जाएगा, ये मेरी इमेज है, ठीक है। तो चेक करें कौन सा ऑप्शन सही है। रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, डिमिनिश नहीं होती है, रियल इन्वर्टेड एनलार्ज भी नहीं होती है, रियल इन्वर्टेड सेम साइज, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। वर्चुअल तो बिल्कुल भी नहीं होती है। क्लियर है यहां तक? वर्चुअल के साथ इरेक्ट वर्ड कभी आता भी नहीं है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर बाय ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन यू नीड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन। दोबारा से क्वेश्चन रीड करो, एक बार वीडियो पॉज करके या मेरे साथ रीड करो। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ फोकल लेंथ, हमें फोकल लेंथ का ऑर्डर निकालना है, ठीक है, ऑफ कॉनकेव मिरर बाय ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इमेज हमें किधर चाहिए? ऑब्वियसली इमेज हमेशा स्क्रीन पे होनी चाहिए। यू नीड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन,
हमें क्या मेजर करना है, डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड स्क्रीन, ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, मिरर एंड ऑब्जेक्ट, मिरर स्क्रीन ऑल्सो बिटवीन ऑब्जेक्ट स्क्रीन, मुझे क्या चीज मेजर करनी चाहिए, ये मेरा क्या है यहां पे क्वेश्चन है। अब एक बात बताऊं, इन्होंने क्या बोला कि इमेज किस पे बन रही है, स्क्रीन पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कहां है हमको नहीं पता। तो ये जो डिस्टेंट वर्ड है ना, डिस्टेंट, इसका मीनिंग होता है जनरली इन्फिनिटी, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी पे है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं यहां पे मिरर फॉर्मूला लगाऊं तो यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा और मैं यू की जगह इन्फिनिटी पुट करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा वन अपॉन इन्फिनिटी। वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। सो वन अपॉन वी इक्वल्स टू वन अपॉन एफ, जीरो को हटा दो तो वी किसके इक्वल आ गया है, एफ के इक्वल आ गया है। वी किसके इक्वल आ गया, एफ के। वी यानी कि इमेज का डिस्टेंस, किसके इक्वल, फोकल लेंथ के। जितनी दूर इमेज है मिरर से उतनी दूर ही फोकल लेंथ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज बनती है एट फोकस, क्लियर यहां तक। तो अगर मैं ये मिरर बनाऊं, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल। अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है तो उससे रेज इस तरीके से आएगी और वो जाके मीट करेगी जस्ट फोकस के नीचे, है ना, यहां पे इमेज बनेगी इधर। तो जो मेरी स्क्रीन है वो भी तो यहीं पे होनी चाहिए, दैट इज स्क्रीन और मिरर के बीच का डिस्टेंस अगर मैंने मेजर कर लिया तो मुझे इमेज डिस्टेंस भी मिल जाएगा और मुझे फोकल लेंथ भी मिल जाएगी, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो मुझे स्क्रीन और मिरर के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लेना चाहिए, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बिटवीन मिरर एंड स्क्रीन, सो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, क्लियर। क्योंकि यह वर्ड है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इन्फिनिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस विल डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट मोर। देखो डाइवर्जिंग लेंस होता है हमारा कौन सा, कॉनकेव लेंस, ठीक है। जब इस पे पैरेलल लाइट रेज आती है तो वो इस तरीके से रेज को डाइवर्ज कर देता है। अब जो लेंस जितना ज्यादा डाइवर्ज करेगा इसका मतलब उसकी पावर उतनी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। जब आप इसको इधर प्रोड्यूस करते हो तो यहां कहीं पे इसका फोकस बनता है ना, एट प्रिंसिपल एक्सिस इसका फोकस बन जाता है। तो ये जो फोकस है ये लेफ्ट साइड में बन रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव। क्या होती है फोकल लेंथ, नेगेटिव। इसका मतलब इसकी पावर भी क्या होती है, नेगेटिव। अब फोकल लेंथ भी नेगेटिव है, पावर भी नेगेटिव है, इसका मतलब कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होती है, ठीक है यहां तक, ओके। तो नेगेटिव ऑप्शन में ये दो तो रिजेक्ट हो गए। अब इन दोनों में ज्यादा बड़ी पावर, आप नेगेटिव साइन को मत देखो, वैल्यू को देखो, ज्यादा बड़ी वैल्यू किसकी है, इसकी। तो जिसकी जितनी बड़ी वैल्यू होगी फोकल लेंथ उतनी छोटी होगी, तो हाई पावर मींस हाई डाइवर्जेंस। जिसकी मिरर की पावर ज्यादा होगी उस मिरर की फोकल लेंथ कम होगी, हेंस उसकी डाइवर्ज करने की जो एबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी, वो ज्यादा क्वांटिटी में रेस को फैला देगी, ठीक है, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, अ वर्चुअल इमेज थ्री टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड विद अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 6। देखो हाँ, यहाँ पे कॉनकेव मिरर है ना, ये चीज वर्ड ध्यान रखना, क्योंकि लेंस और मिरर का लॉजिक बिल्कुल उल्टा होता है ना। तो अब डायग्राम अगर बनाए तो ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ये मुझे गिवन है 36, दैट इज इसकी जो फोकल लेंथ हुई वो हुई हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। तो इसकी फोकल लेंथ हो गई माइनस का 18। नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में है, ठीक है। वर्चुअल इमेज बन रही है तो अगर मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को x मानता हूं तो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी 3x पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि वर्चुअल वर्ड के साथ हमेशा एक वर्ड आता है इरेक्ट, यानी कि इमेज सीधी बन रही है। इमेज अगर सीधी बन रही है इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी हाइट पॉजिटिव है। तो मुझे ये तीन चीजें अब पता है, ठीक है। अब मुझे इन्होंने क्या पूछा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निकालो फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से कितनी दूर है ये बताओ। तो अब सबसे पहले मैग्निफिकेशन,
H2 अपॉन H1 विच इज 3x अपॉन x, मैग्निफिकेशन आ गया 3। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है माइनस वी अपॉन यू, 3 इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, यू की वैल्यू आ गई माइनस का वी की वैल्यू निकाल लो, बल्कि वी की वैल्यू आ गई माइनस का 3u। अब लगाओ आप मिरर फॉर्मूला, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, एफ की वैल्यू है माइनस का 18, 3u से लो एलसीएम, तो ये हो गया माइनस का 1 प्लस का 3 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 18। क्लियर यहां तक? ये हो गया 2 अपॉन 3u, है ना, 2 अपॉन 3u इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 18, तो u की वैल्यू क्या निकलती है, u ऊपर चल जाएगा, 18 इधर आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 18 अपॉन 3, ये इससे कैंसिल हुआ 6, तो u की वैल्यू आ गई माइनस 12। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हमें पूछा गया है वो क्या है, 12। क्लियर? एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, वाई, बिकॉज ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, अ कॉन्वेक्स मिरर, फिर से किसकी बात हो रही है, मिरर की, ऑफ फोकल लेंथ प्रोड्यूसेस, ऑफ वर्ड हटा दो, ऑफ फोकल लेंथ एफ कर दो इसको, है ना, ऑफ फोकल लेंथ एफ, ठीक है, फोकल लेंथ क्या मान लेते हैं अपन इसकी, एफ, ऑफ फोकल लेंथ एफ प्रोड्यूसेस एन इमेज 1 अपॉन nth ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज की जो साइज है वो 1 अपॉन nth है किसका, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट की। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखना, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर वो हमेशा जो इमेज बनाएगा वो होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो भी वो इमेज बनाएगा वो हमेशा क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एक्स लेता हूं तो हाइट ऑफ इमेज होगी 1 अपॉन एन, यानी कि एक्स अपॉन एन, क्या होगी, एक्स अपॉन एन, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज एक्स, सो हाइट ऑफ इमेज इज एक्स अपॉन एन। अब मैं यहां निकालता हूं इसका मैग्निफिकेशन, विच इज H2 अपॉन H1, दैट इज एक्स अपॉन एन डिवाइडेड बाय एक्स, सो मैग्निफिकेशन आ गया 1 अपॉन एन। क्लियर? अब एक और फॉर्मूला लगाते हैं मैग्निफिकेशन का, माइनस वी अपॉन यू, 1 अपॉन एन इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, क्या पूछा है मुझसे, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि मुझसे यू पूछा है, तो मैं वी की वैल्यू निकाल लेता हूं यहां से, माइनस यू अपॉन एन, ये मेरी वी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे, हमारे मिरर फॉर्मूले पे, 1 अपॉन वी, 1 अपॉन यू, 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन वी इसका उल्टा करके यहां लिखो तो यह आएगा माइनस एन अपॉन यू प्लस 1 अपॉन यू 1 अपॉन एफ, यू का कॉमन एलसीएम लो, 1 माइनस एन 1 अपॉन एफ, तो यू ऊपर चल जाएगा एफ इधर आ जाएगा, इस तरीके से कुछ लॉजिक बैठेगा, है ना, तो यहां पे यू इधर गया एफ इधर आया, तो यू इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एफ इंटू 1 माइनस एन। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, तो आप क्या करो इसमें से माइनस साइन को कॉमन निकाल लो और फिर उस अकॉर्डिंग आपका डिस्टेंस पता हो जाएगा, सो माइनस एफ एन माइनस 1, मैंने नेगेटिव साइन को क्या करा, कॉमन निकाल लिया कॉमन, तो इस हिसाब से मेरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जब मैं फाइनल आंसर लिखूंगा तो नेगेटिव साइन को इग्नोर करके लिखूंगा, क्योंकि नेगेटिव साइन इसलिए होता है क्योंकि हम साइन कन्वेंशंस के रूल लगाते हैं, एक्चुअल में डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव मेजर होता है, तो ये मेरा आंसर है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, किसकी बात हो रही है, कॉनकेव मिरर की, डिस्टेंस बिटवीन इट्स इमेज एंड पोल, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इस सिचुएशन में इमेज भी कहां बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, इमेज भी कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल, यानी कि ये चीज इमेज डिस्टेंस, ये क्या होगा, ये होगा इक्वल टू 2f, यानी कि फोकल लेंथ का डबल, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, 2f, तो ये जो इमेज डिस्टेंस है किसके इक्वल आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज 2f के इक्वल,
सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, नेक्स्ट. अब आया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार फटाफट रीड करेंगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास, फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.65 फॉर एंड फॉर अल्कोहल इट इज 1.36. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन फ्लिंट ग्लास, इसका रेशियो यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ये वैल्यू है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अल्कोहल विथ रिस्पेक्ट टू एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अल्कोहल, इसकी वैल्यू है 1.36. क्वेश्चन में बोला गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो फ्लिंट ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू अल्कोहल. किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? फ्लिंट ग्लास का. किसके रिस्पेक्ट में? अल्कोहल. दैट इज मुझे ये फाइंड करना है अल्कोहल के रिस्पेक्ट में फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ अल्कोहल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ फ्लिंट ग्लास. ये निकालने के लिए मैं इन दोनों को डिविजन में लगा देता हूं, इन दोनों को डिविजन में, है ना. दैट इज वेलोसिटी ऑफ एयर फ्लिंट ग्लास, वेलोसिटी ऑफ एयर वेलोसिटी ऑफ अल्कोहल. ये हो गया 1.65 डिवाइडेड बाय 1.36. ये इससे कट गया, ये चले जाएगा सबसे ऊपर. वेलोसिटी ऑफ अल्कोहल अपॉन वेलोसिटी ऑफ फ्लिंट ग्लास 165 अपॉन 136. क्लियर यहां तक? ठीक है, तो अब मैं इनको जब डिवाइड करूंगा तो जो मेरा फाइनल करेक्ट ऑप्शन है वो निकलेगा नियरली 1.21. तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ऑफ फ्लिंट ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू अल्कोहल इज 1.21. डिविजन करने से ये आंसर निकलेगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास ये कितना है? ये है 1.6. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास का मतलब हुआ वेलोसिटी इन ग्लास, वेलोसिटी इन डायमंड, इसकी वैल्यू है 1.6. इफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ग्लास का. कितना है? 1.5. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. एयर क्यों ले रहा हूं मैं यहां? क्योंकि वर्ड है एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट का मतलब होता है एयर के रिस्पेक्ट में निकालना. दैट इज वेलोसिटी ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ग्लास, ये वैल्यू है 1.5. मुझे ये दो चीजें दे रखी है. मुझे क्या फाइंड करना है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड. दैट इज मुझे ये फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ डायमंड की वैल्यू फाइंड करनी है. वेलोसिटी ऑफ एयर मुझे ऊपर चाहिए, वेलोसिटी ऑफ डायमंड मुझे नीचे चाहिए, और मुझे इनकी वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करें? थोड़ा सा दिमाग लगाओ. अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई है ना, दैट इज यहां मैं लिख दूं वेलोसिटी ऑफ ग्लास, वेलोसिटी ऑफ डायमंड मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 1.5. तो वेलोसिटी ऑफ जो हमारी ग्लास है वो ऊपर नीचे से कट गई, तो बचा क्या? वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ डायमंड, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर. यही तो चीज थी. अब आप क्या करो, इन दोनों का प्रोडक्ट करो और यहां आंसर लिख दो. ठीक है, बेसिक मल्टीप्लीकेशन करना है तो जो भी हमारा मल्टीप्लीकेशन आएगा, हम ये आएगा अप्रोक्स 2.4, अप्रोक्स नहीं एग्जैक्ट आ जाएगा 2.4, ये हमारा फाइनल आंसर है. क्लियर? एमसीक्यू क्वेश्चंस में सीधी सी बात क्या होती है, आपको सबसे कम टाइम में बेस्ट लॉजिक लगा के जल्दी आंसर क्रैक करना होता है. तो मैं कहां यहां से कोई वैल्यू निकालता, एग्जाम्पल वेलोसिटी ऑफ ग्लास की या डायमंड की, और फिर उसे मैं पुट करता. सो इट वुड बी अ लेंथी प्रोसेस. मैंने देखा कि यहां पे एयर और डायमंड की नीड है, ग्लास की नीड नहीं है. यहां ग्लास ऊपर है, यहां ग्लास नीचे है, तो इनको कैंसिल कैसे करें? मल्टीप्लाई कर दो, कट जाएगा. ऐसे मैंने दिमाग लगाया और जल्दी आंसर आ गया. नेक्स्ट, एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये रेडियस ऑफ कर्वेचर वर्ड अपन ने पढ़ा है मिरर में,
दोनों मिरर्स में, तो ये किसके लिए वैलिड है? कॉन्वेक्स मिरर बट नॉट फॉर कॉन्केव मिरर, ये गलत हो गया. कॉन्केव मिरर बट नॉट फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ये भी गलत हो गया. बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर, ये सही ऑप्शन है. ठीक है, दोनों के लिए वैलिड, ये बिल्कुल ही गलत हो गया. ठीक है, नेक्स्ट. कॉन्वेक्स लेंस है जिसका नाम है ए, जिसकी फोकल लेंथ है 20. कॉन्केव लेंस है जिसका नाम है बी और उसकी फोकल लेंथ है 5. हमने क्या करा, इनको एक ही लाइन में रख दिया, एक सेम एक्सिस यानी कि एक लाइन में रख दिया और उनके बीच में डिस्टेंस रख दिया डी, यानी कि इस तरीके की सिचुएशन हुई. ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा कॉन्केव लेंस है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है डी. मुझे ये डी फाइंड करना है, ऐसा ही कुछ लग रहा है मेरे को. चेक करते हैं आगे. इफ एन इंसिडेंट रे पैरेलल बीम इज अगेन रिफ्रेक्टेड एज पैरेलल, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है. ये कह रहे इंसिडेंट रे जो आई है वो पैरेलल आई है और वो इस तरीके से बाहर निकली कि वो वापस पैरेलल हो गई, यानी कि एक तरीके से फाइनली हम देखें तो हम बोलेंगे देयर इज नो रिफ्रैक्शन, कोई असर ही नहीं पड़ा, पैरेलल लाइट वापस से पैरेलल बनके ही चली गई, कोई असर नहीं पड़ा. ठीक है, पैरेलल लाइट पैरेलल ही निकल गई. तो ये जो डी डिस्टेंस है, हाँ अपन सही सोचे थे, हमको डी ही फाइंड करना है. ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अगर पैरेलल लाइट पैरेलल ही चली गई इसका मतलब ये हुआ सीधा सा कि पावर है जीरो. पावर होता है 1/f, तो 1/f की वैल्यू है जीरो. जो फाइनल इन दोनों की कंबाइंड फोकल लेंथ है उसकी वैल्यू है क्या, जीरो. मैं इस पहले वाले लेंस की फोकल लेंथ को लेता हूं 1, फोकल लेंथ ऑफ लेंस ए वो कितनी है 20, फिर फोकल लेंथ ऑफ लेंस बी वो कितनी है, वो है मेरी 5. अब आप जरा ये सोचो कि हम किसकी फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेंगे और किसकी फोकल लेंथ को हम नेगेटिव लेंगे. देखो नेगेटिव फोकल लेंथ ली जाती है किसकी, कॉनकेव की, क्योंकि उसका फोकस डाइवर्ज होने की वजह से लेफ्ट में बनता है ना, और इसकी कॉन्वेक्स की ली जाती है पॉजिटिव. जब दो लेंस साथ में रखे जाते हैं तो उनकी कंबाइंड फोकल लेंथ निकालने का आपने एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला पढ़ा था, 1/ कंबाइंड फोकल लेंथ इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस. लेकिन हमने उसमें ये नहीं पढ़ा था कि उनके बीच में अगर कोई डिस्टेंस है तो फिर क्या करें. हमने वहां केस पढ़े थे लेंस जॉइंट टू जॉइंट चिपके हुए हैं, तब ये फॉर्मूला लगता है. लेकिन अब ये फॉर्मूला यहां वैलिड नहीं है. अगर आप ये वर्फ वाला फॉर्मूला सोच रहे हो तो इससे ये सॉल्व नहीं होगा, है ना, क्योंकि इन दो लेंसेज के बीच में डिस्टेंस है. तो थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मूला अब वेरी करेगा, इस फॉर्मूले को हम चेंज करेंगे और एक नया फॉर्मूला यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं कंबाइंड फोकल लेंथ निकालने का. 1/f1 + 1/f2, यहां तक सबको पता है फॉर्मूला. अब एक नई चीज इंट्रोड्यूस होगी विच इज -d/f1 × f2. जब दो लेंस के बीच में डिस्टेंस होता है तो ये एक नई चीज आ जाती है. सो 1/f की वैल्यू क्या है, 0, f1 की वैल्यू है 20, f2 की वैल्यू है -5. डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, ये हो गया 20 × -5. ठीक है, क्लियर यहां तक? तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, है ना, और इनको मैं उधर भेज दूंगा तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस, उधर जाके ये टर्म हो जाएगी पॉजिटिव, 1/20 हो जाएगा नेगेटिव. देखो प्लस माइनस माइनस, नेगेटिव का 1/5 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव का 1/20 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा. इक्वल टू में रह गया क्या, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दैट इज d/20 × 5, यही रह गया, इनका प्रोडक्ट है. अभी अपन प्रोडक्ट नहीं कर रहे क्योंकि मुझे लग रहा है आगे कुछ कैंसिल होने वाला है. 5 और 20 का एलसीएम होता है 20, है ना, तो ऊपर आया 4 − 1, d/20 × 5, 20 से 20 कट गया तो क्या बचा, 3, और अपॉन में यहां d/5, यही बचा, 3 = d/5, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 15. हेंस दोनों लेंसेज के बीच में कितना डिस्टेंस हमको रखना चाहिए, विच इज 15 cm. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने एक नया फॉर्मूला क्या सीखा है, नया टॉपिक हमारे लिए कंबाइंड फोकल लेंथ निकालने के लिए. अभी तक हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे, लेकिन अगर दो लेंसेज के बीच में गैप आ गया तो हमें ये एक नई चीज एड ऑन करनी है हमारे फॉर्मूला.
फॉर्मूले में, ठीक है, क्लियर यहां तक। नेक्स्ट, अ थिक प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, किसकी बात हो रही है, कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ क्राउन ग्लास, क्राउन ग्लास का लेंस बन रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, थिकनेस है 3 सेंटीमीटर। देखो लेंस की थिकनेस आ गई यहां, ये टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं था, मतलब एक तरीके से हमारे कोर्स में नहीं था, तो हो सकता है यार ये वर्ड जो है ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया हो। थिकनेस है 3 सेंटीमीटर, स्पीड ऑफ लाइट इन क्राउन ग्लास ये है ऑब्वियसली मीटर पर सेकेंड यूनिट है, ठीक है, फाइंड करनी है ए की वैल्यू। इसका मतलब अपन सही सोच रहे थे, यहां पे थिकनेस की नीड ही नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रहे हैं। सीधा सा क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्राउन ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब यार यहां विद रिस्पेक्ट टू एयर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ इन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड बोला, किसके रिस्पेक्ट में नहीं बोला, तो हम एयर मान के चलेंगे, ये स्टैंडर्ड तरीका होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन क्राउन ग्लास, यही होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है 1.5, एयर में वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸, और क्राउन ग्लास की वेलोसिटी इन्होंने दे दी 8 × 10⁸। ये 10⁸ ऊपर नीचे से कट जाएगा, ए जाएगा ऊपर, 1.5 आएगा नीचे, सो ए इज इक्वल टू 3/1.5, डेसिमल हटके जीरो लग जाएगा, 30/15, जिसको कैंसिल करेंगे तो ए की वैल्यू आ गई 2। सो करेक्ट ऑप्शन इज दिस। देखो इन्होंने कितने सिमिलर ऑप्शंस दिए, लेकिन इधर देखो इन्होंने 10⁸ को ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया ना इंक्लूड, यानी कि इन्होंने ये ऑप्शंस कंफ्यूज करने के लिए दिए, आपको सिर्फ 2 पे ही टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट, डेंटिस्ट मिरर विद रेडियस ऑफ कर्वेचर 3। तो अब एक बात ध्यान रखना, सबसे पहली बात तो डेंटिस्ट क्या चीज के लिए मिरर यूज करता है, टीथ में छोटी सी कैविटी के लिए क्यों यूज करता है, क्योंकि उसको उस कैविटी को जूम करके देखना होता है, यानी कि डेंटिस्ट ये चाहता है कि अगर ऑब्जेक्ट छोटा सा है तो इमेज बड़ी बने। एनलार्ज इमेज कौन सा मिरर बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर बना सकता है। इसका मतलब जो डेंटिस्ट मिरर है वो कॉनकेव मिरर होता है। तो इन्होंने यहां डेंटिस्ट मिरर जो है वो वर्ड देके हमें एक हिंट दे दिया, जिसे हमें समझना पड़ेगा कि ये कॉनकेव मिरर है। अगर ये कॉनकेव मिरर है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा नेगेटिव, दैट इज इसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी, नेगेटिव। क्लियर यहां तक, नेगेटिव फोकल लेंथ होगी क्योंकि कॉनकेव मिरर है। आई होप आपको साइन कन्वेंशन याद होंगे, नहीं है तो वो जरूर कर लेना। हाउ फार मस्ट इट बी प्लेस्ड फ्रॉम डेंटल कैविटी टू गिव वर्चुअल इमेज मैग्निफाइड 5 times, यानी कि उस मिरर को हम कैविटी से कितनी दूर रखें कि इमेज 5 गुना बड़ी बने। यहां मान लो कहीं पे कैविटी होगी, यहां पे इन्होंने मिरर रख दिया, अब इमेज जो है वो 5 गुना बड़ी बन रही है, 5 times big, तो हमसे पूछा गया है ये बताओ, ठीक है, और इसकी हाइट के कंपैरिजन में ये 5 गुना है। तो अगर मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को x मानता हूं तो हाइट ऑफ इमेज हो गई 5x, और इसको मुझे पॉजिटिव लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि इन्होंने यहां वर्ड यूज करा है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज यानी कि इरेक्ट इमेज यानी कि सीधी इमेज, तो हाइट है पॉजिटिव। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला h2/h1, 5x/x, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या निकली, पॉजिटिव, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है -v/u, 5 = -v/u, इससे मैं क्या निकालूंगा, मेरी v की वैल्यू निकाल लूंगा, v की वैल्यू आ गई माइनस का 5u, क्लियर है यहां तक, आ गई v की वैल्यू। अब इन्होंने बोला है कि हमें इमेज, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ढूंढना है, लिखा है ना, हाउ फार मस्ट इट बी प्लेस फ्रॉम द डेंटल कैविटी, तो कैविटी इज द ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ढूंढना है, तो आप यहां पे क्या करोगे, मिरर फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है, 1/v ये वैल्यू आ गई, 1/u, और f की वैल्यू है -3/2, उसका उल्टा करके लिखो विच इज -2/3, यहां पे 5u का LCM आ गया, -1 + 5 2/3, ये हो गया 4 5/u 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, u ऊपर 3 इधर 2 नीचे, एक काम करो पूरा कर दो पहले, दैट इज 3 को इधर ले जाओ और 5u को पूरा ही उधर ले जाओ, अब 2 और 5 को डिवाइड में ले जाओ, तो ये हो गया 12/2 5 = 10,
सो यू की वैल्यू आ गई मेरी कितनी 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर यहां तक? चेक कर लो एक बार, यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू आ गई कितनी 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, तो यहां ऑब्वियसली आंसर माइनस का 1.2 है। ठीक है, आंसर क्या है? माइनस का 1.2। लेकिन हम जब फाइनल आंसर लिखते हैं तो हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिव साइन से भी ये बताता है कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में बन रहा है, एक्चुअल में डिस्टेंस हमेशा क्या मेजर होता है? पॉजिटिव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर फॉल्स ओब्लीकली, ओब्लीकली वर्ड का मतलब होता है ऑन अ सर्टन एंगल। ठीक है, ऑन सर्फेस ऑफ काम पॉन्ड इट विल, देखो एक लेक है, ठीक है, एक लेक है, उसमें लाइट गिर गई, एक ऐसा काम पॉन्ड है, पानी का लेक है, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट आई और वो सीधी सीधी आते हुए इस पॉन्ड में गिर गई, ऐसे ओब्लीकली गिर गई लाइट। ओके, तो ये बन गई नॉर्मल, क्या बन गई ये? नॉर्मल। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा? अब हमसे इन्होंने पूछा है अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर फॉल्स ओब्लीकली ऑन द सर्फेस ऑफ द कॉम्पाउंड। ये एयर है, ये वॉटर है, रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है, इट विल गो इन टू द वॉटर विदाउट डिविएटिंग, क्या लाइट सीधी चली जाएगी? एयर यानी कि रेयरर मीडियम और वॉटर उसके कंपेरिजन में है डेंसर मीडियम, तो जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो सीधी चल जाती है क्या? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। डिविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से और दूर हो जाएगी क्या? ये भी गलत है, क्योंकि डेंसर मीडियम भारी है, भारी जाने नहीं देगा उसे, यानी कि डिविएट टुवर्ड्स द नॉर्मल, टर्न बैक टू ओरिजिनल पाथ यानी कि भिड़के वापस चल जाएगी, वो भी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर नहीं था? बल्कि ओरिजिनल पाथ ऐसे ऐसे जाएगी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, मिरर थोड़ी है, इसका मतलब टुवर्ड्स नॉर्मल इज द करेक्ट ऑप्शन। ये रे ऑफ लाइट इस तरीके से आगे जाएगी, ये एंगल जो पहले बहुत बड़ा था अब ये एंगल कंपेरेटिवली छोटा हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़े, नेक्स्ट। द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 इन डायप्टर इज, पावर ऑफ लेंस निकालनी है, फोकल लेंथ क्या है 25, ठीक है, सेंटीमीटर, तो पावर निकालनी है, पी इज इक्वल टू 1/f। लेकिन अब एक बात, मिस्टेक कहां होगी? जब आप इस फोकल लेंथ को मीटर्स में कन्वर्ट नहीं करोगे तो आप इसको लिखोगे 25/100 विच इज 1/4 मीटर, और अब इसको पुट करोगे, सो दिस इज 1/1/4, 4 ऊपर चल जाएगा, सो पावर इज 4 डायप्टर। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 4 डायप्टर। नेक्स्ट, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस हैज पॉजिटिव वैल्यू, अगर मैग्निफिकेशन एक लेंस का पॉजिटिव है, एम इज पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि मैग्निफिकेशन इज, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होता है? जब आपकी न्यूमरेटर एक तरह, यहां पे देखो थोड़ा सा दिमाग लगाए, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होता है ये सोचना है मेरे को, है ना? तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है H2/H1। ठीक है, H1 जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, H1 जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अब हम चाहते हैं कि ये पूरा मैग्निफिकेशन ही पॉजिटिव आए, तो ये कब होगा? फॉर एम टू बी पॉजिटिव H2 भी हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, ये कंपलसरी है। अगर हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगी तो ही मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो पाएगा। तो अगर हमारा हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है तो हम इमेज के लिए वर्ड यूज करेंगे इरेक्ट, और अगर इमेज इरेक्ट है तो उसके साथ हमेशा एक वर्ड आ जाएगा वर्चुअल। सो करेक्ट ऑप्शन इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस इज नेगेटिव, वही सेम लॉजिक दोबारा, मैग्निफिकेशन इज H2/H1, H1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब हम चाहते हैं कि मैग्निफिकेशन जो है वो नेगेटिव आए, ये कब पॉसिबल होगा? जब हमारा H2 जो है वो नेगेटिव होगा, H2 नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया? इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज क्या है? इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड के साथ कौन सा वर्ड आता है? रियल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, रियल एंड इन्वर्टेड।
ठीक है, अ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, वाइल एंटरिंग द डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में जब लाइट जाएगी एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? देखो मान लो ये एक सरफेस है, ठीक है, ये इस सरफेस पे हमने नॉर्मल बनाया, अब रे ऑफ लाइट जो है वो सीधी सीधी आई, ऐसे आ रही है रे ऑफ लाइट, ऊपर वाला जो मीडियम है वो रेयरर मीडियम है और नीचे वाला जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है, लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है। अब लाइट जो है अभी कौन से मीडियम में है? रेयरर मीडियम में है, तो उसका एंगल काफी बड़ा है, नीचे कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है, तो एंगल छोटा हो जाना चाहिए लॉजिकली, यानी कि ये लाइट इस तरीके से नॉर्मल के क्लोज आ जाएगी, ऐसे जाती हुई लाइट बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, द लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, ठीक है, आ गया समझ में। ये अपने आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, आज अपन ने वीडियो स्टार्ट कराया क्वेश्चन नंबर 21 से, एंड कराया क्वेश्चन नंबर 40 पे। एमसीक्यू क्वेश्चंस में थ्योरी कॉन्सेप्ट्स रिकॉल करे हैं, पावर, फोकल लेंथ, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब कुछ अपन ने रिवाइज कराए। होप आपको वीडियो में सब कुछ क्लियर रहा होगा, फिर भी कोई डाउट है आप वीडियो को रिपीट करके बार बार देख सकते हो, सेल्फ प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो एक और अपन जरूर बनाएंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस पे, ट्राई करेंगे और ज्यादा लॉजिक्स आपके स्ट्रांग हो। टिल देन आप इसे रिवाइज करो, पढ़ाई करते रहो, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।